गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू चैप्टर टू ऑफ हिंदी ग्रामर। सो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज संयुक्त व्यंजन, मिक्स्ड वर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज मिक्स्ड वर्ड्स, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। लुक केयरफुली, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या चार है। स्टूडेंट्स, हिंदी में चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। लुक हेयर, शाह, शाह से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो वर्ड है संयुक्त व्यंजन, ये फोर संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये कैसे बनते हैं? अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, यानी ये अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। का के नीचे हलंत लगा हुआ है, प्लस शाह क्या बनता है, इज इक्वल टू शाह से क्षत्रिय। ता प्लस रा मिलकर बनता है त्रा। जा प्लस हुआ इज इक्वल टू ग्या। शाह हलंत लगा हुआ है प्लस रा इज इक्वल टू श्रा। स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिया हुआ है वर्ड के नीचे लगा हुआ है, ये क्या होता है, हलंत। इसे क्या बोलते हैं, हलंत। सो स्टूडेंट्स, स्वर का प्रयोग दो तरह से होता है। फर्स्ट, अपने मूल रूप में होता है, एक तो कि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी आदि, और सेकेंड मात्रा के रूप में। स्वर जो होते हैं वो मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं और अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं। स्वर का जो यूज होता है वॉवल्स का, वो टू फॉर्म में होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देखा संयुक्त व्यंजन शा, त्रा, ग्या और श्रा। सो स्टूडेंट देखिए, इससे वर्ड दिए हुए आपको, क्षितिज शा से क्षत्रिय जो होते हैं उससे दिया क्षितिज, त्रा से त्रिफला, ग्या से ज्ञानदा, श्रासी श्रवण। और ये स्वर का प्रयोग दो तरह से होता है, एक अपने मूल रूप में और एक मात्रा के रूप में। सो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।